दोस्तों नमस्कार, मैं रवि कुशवाहा। आज मैं बात करने वाला हूँ कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस से आज पूरा देश उसकी चपेट में आ चुका है। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस के चपेट में 67 देश उसकी चपेट में है। और आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो यह है कि आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने WHO के साइट पे कुछ गाइडलाइन जारी किया है, जिसको आप लोगों के सामने मैं शेयर करने जा रहा हूँ। कि WHO के साइट पे एक ईमेल आईडी प्लस टोल फ्री नंबर आया हुआ है, जिसकी मदद से आज हमारे बीच जो कोई भी कोरोना वायरस से संक्रमित है, वो आपका भाई, रिश्तेदार, हमारे घर का मेंबर भी हो सकता है या रिश्तेदार भी हो सकता है, तो प्लीज़ हमें उन्हें उस टोल फ्री नंबर और ईमेल आईडी की जानकारी देना है, ताकि वह भी गवर्नमेंट से सहायता उनको मिल सके और वो लाभ उठा सकें। और इतना ही नहीं, हम आप लोग को कुछ सलाह भी देना चाहते हैं कि अगर आप जब भी खाना वाना खाने जाएं, तो अपने हाथों को अच्छी तरीके से साबुन से धोएं और धोकर ही खाएं। कोई भी चीज़ अगर आप दिन में खाते हैं, तो उसे खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरीके से धोएं। और कोशिश करें कि जब भी आप भीड़ भाड़ में निकलें या ऐसी जगह पर जहाँ जाएं, वहाँ पे आप मास्क या रुमाल का प्रयोग करें। और यह चीज़ें आप दूसरों को भी सलाह दें कि वह मास्क और रुमाल का प्रयोग करें। और साथ ही साथ कुछ लोग इस भ्रम में हैं कि धूप में या गर्म जगह पे इसका असर कम होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। WHO के वेबसाइट पे ऐसा कोई भी जानकारी नहीं मिली है। यह एक भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप लोग भ्रम में हैं तो ये बिल्कुल गलत है, आप लोग इस भ्रम में मत रहिएगा। और साथ ही उन लोगों से आप लोग संपर्क ना बनाएं जो लोग जिन लोगों को खांसी, जुकाम, बुखार या सर्दी की समस्या हो, तो प्लीज़ आप उनसे दूर रहें तब तक कि जब तक कि वह उसकी बीमारी सही ना हो जाए। और अगर आपको भी लगता है कि हाँ, हमें भी खांसी, जुकाम, बुखार महसूस हो रहा है अगर आपको, तो आप भी किसी अगल बगल मेडिकल से दवा ना लें और किसी बड़े शहर में के किसी अच्छे डॉक्टर के गाइडलाइन में अपना इलाज कराएं। अगर वहाँ भी आराम ना मिले, तो आप प्लीज़ टोल फ्री नंबर और ईमेल आईडी का प्रयोग करें, जैसा कि मैं स्क्रीन पे दिखा दिया हूँ आपको, कि इस नंबर पे संपर्क करें। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को इसके लिए जानकारी दे रहा हूँ कि आप भी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि उसको भी इसकी जानकारी मिल सके। और हम लोग कोशिश करें कि दिन में ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी पिए और लोगों को यह सलाह दें कि वह गर्म पानी का प्रयोग करें। साथ ही साथ अपने कपड़ों को 1 से 2 दिन से ज़्यादा ना पहने, कपड़े को अच्छी तरीके से धोएं। कोशिश करें कि गर्म पानी में अपना कपड़ा धोएं, ताकि जो भी वायरस है वो निकल सके, नष्ट हो जाए। दोस्तों, हमारा देश जो कोरोना वायरस से प्रभावित हो चुका है और दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, तो इसको रोकने का एक ही तरीका है, अगर हम एक दूसरे से दूसरे में यह बात शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को अच्छी सलाह दें, उनके स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करें कि आपको कैसे इससे बचा जा सकता है। तो हम लोग चाहें तो अपने देश को इस बीमारी से, इस कोरोना वायरस को इससे को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें, ताकि उनको भी यह जानकारी मिल पाए और वो भी अपने घर परिवार, अपने लोगों को इस बीमारी से बचा सकें। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, जिससे यह जानकारी लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।